दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कोरोना की अगर बात करी जाए तो कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। बिहार में लगभग 300 प्रखंड के गांवों में कोरोना प्रवेश कर चुकी है। वहां कोरोना के पीड़ित यानी संक्रमित पाए जा रहे हैं। गांव में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अगर राज्य में सक्रिय मरीजों की बात करी जाए तो 12,311 सक्रिय मरीज इन दिनों बिहार में पाए गए हैं। पूर्णिया और भागलपुर में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण के कारण। 24 घंटे में अगर बढ़ने की बात की जाए कोरोना संक्रमित मरीजों की तो 4,526 कोरोना पीड़ित बढ़े हैं, यानी कुल मिलाकर हो गई है संख्या 12,311। अगर बात करी जाए 24 घंटे में कोरोना पीड़ित के बढ़ने की संख्या की तो 4,526 बढ़ी है। अब ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि 18 दिसंबर 21 तक राज्य के 4 प्रखंडों में ही कोरोना संक्रमण था। यह अब बढ़कर 1 जनवरी को बढ़कर 79 प्रखंड, 5 जनवरी को 224 प्रखंड और 7 जनवरी को 300 प्रखंड में फैल चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना संक्रमण शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाके में भी तेजी से पांव पसारना प्रारंभ कर दिया है। ठंड के कारण मौसम में बदलाव भी कोरोना संक्रमण बढ़ाने में कहीं न कहीं उपयोगी साबित हो रहा है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण की दर 0.02% से बढ़कर 2.15% हो गई है। पटना में संक्रमण की दर सर्वाधिक 20% से अधिक हो गई है। मरने वाले की भी संख्या में वृद्धि हो रही है। संक्रमण को रोके रखने के लिए और अपने आप को बचाए रखने के लिए बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, हाथ को धोते रहें, मास्क अवश्य पहने और सरकार के जो प्रतिबंध हैं उस प्रतिबंध का ख्याल अवश्य रखें ताकि जान माल की हिफाजत हो सके। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। जिस बेकाबू लहर से लड़ने के लिए सरकार भी मजबूती से काम कर रही है जैसा दावा सरकार का है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संक्रमण से बचने के लिए स्वयं को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।